शिमारू टीवी पर जल्द आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है लड्डू गोपाल। इस सीरियल से वापसी कर रही हैं अक्षिता मुद्गल और साथ है ये लड्डू गोपाल भी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं सीरियल की कहानी के बारे में कि इस सीरियल में क्या कुछ है अलग। तुलसीधाम के तुलसी और लड्डू गोपाल दोनों साथ में हैं और दोनों की जोड़ी कमाल है और इनकी केमिस्ट्री तो देखते ही बनती है क्योंकि दोनों की स्माइल देखिए अगर। तो ये शो स्टार्ट होने की खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो अक्षिता एक बार फिर से सबको एंटरटेन करने के लिए रेडी है? या आई होप मैं उस तरह से एंटरटेन कर पाऊँ सबको। I am back on television after 1.5 years, I guess. Let's see. I hope this turns out to be a good one. क्योंकि ये शो एक्चुअली बहुत यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है। मैंने जो आज तक किया है, जो परफॉर्म किया है, उससे ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो एक नया चांस लिया है मैंने भी अपने करियर के साथ, बट आई एम रियली श्योर क्योंकि हमारे जो राइटर है सी एल सैनी जी, ही इज़ अ वंडरफुल राइटर। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे शोज़ लिखे हैं आज तक, हर शो इतना ब्लॉकबस्टर आया उनका। ये शो जो इतना यूनिक है, इट्स कृष्णा के शोज़ तो सबने बहुत देखे हैं, बट लड्डू गोपाल क्या जो कहानी है वो आप लोगों को देखने मिलेगी। एंड आई होप के तुलसी और हमारे लड्डू गोपाल, इसकी तो स्माइल देख के आप लोग फिदा हो जाएंगे। देख लो एक बार, बस हंस दे बेबी, बस ये देख के आप लोग खुश हो जाएंगे। ये देखने के लिए तो शो ज़रूर देखना पड़ेगा आपको। एंड आई होप के वी एंटरटेन यू गाइज और आप लोगों को अच्छा लगे। मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट एक बार सब इस शो को एक चांस दें, एक एपिसोड देखें, एंड दे विल गेट टू नो कि क्यों शो यूनिक है या क्यों देखना चाहिए शो को। लोगों को काफ़ी सारे रीजंस मिल जाएंगे एंड आई होप आई एंटरटेन एंड दिस टर्न्स आउट टू बी अ गुड वन। किस टाइप की कहानी रहने वाली है, मतलब आज की टाइम की कहानी है उसमें आपको लड्डू गोपाल नज़र आएंगे, तो कितना फेथ और जैसे कृष्ण से तो आपको पुराना नाता है, पहले के इंटरव्यूज़ में भी हमने याद हो तो बात की है। जी आज के ज़माने की कहानी है, इट्स फ्रॉम टुडेज टाइम, बट इस ही ज़माने में कृष्ण जो कि हमारे लड्डू गोपाल है वो आके तुलसी के सारथी बनते हैं। क्योंकि जो तुलसी है वो बचपन से ही अपने पापा से कथाएं सुनते बड़ी हुई है। ये शो एक्चुअली आपको धर्म अधर्म के बारे में भी काफ़ी चीज़ें सिखाएगा। धर्म की साइड खड़ी है तुलसी, उसके लड्डू गोपाल, उसके बाबा। अधर्म की साइड भी कुछ लोग हैं जिनसे फाइट कर रही है तुलसी। एक ज़मीन जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल का आगमन हुआ था, उस ज़मीन के पीछे भी जो बैक स्टोरी चल रही है वहाँ पे, जिस तरह तुलसी स्टैंड लेती है और इंस्पाइट ऑफ सो मैनी हर्डल्स, सो मैनी प्रॉब्लम्स, जब खुद लड्डू गोपाल उसके साथ आते हैं और वो उसे राह दिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है इन लाइफ, तो जब उसे वो कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ती है वो आप लोगों को देखने मिलेगा। उसके साथ बहुत सारे इमोशंस देखने मिलेंगे, एक फ्रेंडशिप, एक भक्त और गॉड की जो एक फ्रेंडशिप होती है, हम इन रियल लाइफ पे काफ़ी वैसे होते हैं। हम अगर डिमांड करेंगे तो अपने भगवान से करेंगे, हम गुस्सा भी उन पर करते हैं, हम हक भी उनसे जताते हैं, कुछ ना मिले तो गुस्सा भी उन्हीं पर कर देते हैं। तो वो जेन्युइनली वो जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सामने होते हुए दिखाई देंगी जब तुलसी और उसके लड्डू गोपाल आपको देखेंगे, है ना। तो आज क्या डिमांड करना चाहोगी अपने लड्डू गोपाल से? मैं इससे डिमांड ऑनेस्टली सिर्फ यही करूँगी कि बस ये हंसता रहे, क्योंकि इसकी मुस्कुराहट जेन्युइनली बहुत प्यारी है और ये सेट की जान है। ये सेट पे जब जैसे हंसता है, जैसे आता है, सो ही इज़ एक्चुअली दैट वाइब। मैं सबसे छोटी रही हूँ हमेशा सेट पे, तो आई हैव ऑलवेज बीन द वन ओ हे, मैं हंसती रहूँगी, लोग खुश रहते हैं, बट इस सेट पे मुझसे छोटा ये है और जैसे ये सेट पे आता है ना, माहौल चेंज कर देता है, वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं इसको देख के, इसकी मुस्कुराहट क्योंकि इतनी प्यारी है और जिस तरह ये काम करता है, ही सुपर टैलेंटेड। सो आई जस्ट विश, मैं अपने भगवान से हेत के लिए मांगना चाहूँगी, ये तो मेरा लड्डू गोपाल बना है, इसके लिए मांगना चाहूँगी बस, इसका ये इनोसेंस, इसका टैलेंट, इसकी मुस्कुराहट यूँ बनी रहे और ये जेन्युइनली इतनी क्यूट प्यारी सी सोल है, बस ऐसे ही रहे बस। क्या कहना चाहोगे अक्षिता के लिए? अक्षिता दीदी तो बहुत अच्छी है, उनकी स्वीट मुस्कान बहुत अच्छा लगता है। ये लड्डू गोपाल के डायलॉग बोल रहा है मुस्कान, ये वहीं से सीखे ना हिंदी वर्ड? हाँ, बाकी तो गुजराती बोलिए आपने। हाँ, अपने गुजराती बोले, तो यहाँ पे गुजू कनेक्शन है। नहीं नहीं, मैं तो गुजराती नहीं हूँ, ये तो मैं इससे सीख रही हूँ गुजराती, थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, मैं बोलती हूँ तो ये टोक देता है कि नहीं ऐसे बोलना है, ये वैसे बोलना है। ये रियल लाइफ में मेरा लड्डू गोपाल है क्योंकि मुझे गाइड करता है लैंग्वेज में भी कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, है ना। बाकी बस यही है, तारीफ करना मेरी, कुछ तारीफ कर, अच्छी करनी।
कुछ नहीं वास्ता रहेगा वास्ता रहेगा। अच्छा, अक्षिता का कोई कृष्ण के लिए कोई सॉन्ग या भजन जो खुद का फेवरेट हो कृष्णा के लिए? तो मैंने जब हम लोगों ने भी स्टोरीज़ किए साथ में, तो वो जो मेरा कृष्ण कनेक्शन अक्षिता के साथ है, मैं एक गाने पे परफॉर्म करती थी जिसका नाम है तेरी दीवानी, तो जिस पे जो कृष्ण जी की मूर्ति मेरे पास है जो पिछले 10 साल से मेरे पास है उसको लेकर मैं परफॉर्म करती थी। तो वो एक अगर मेरा अक्षिता और कृष्ण जी का कनेक्शन तो वो तेरी दीवानी आता है, क्योंकि मैं मीरा बन के उसमें परफॉर्म करती थी। आई यूज टू नहीं प्लीज प्लीज नो 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 यू कांट डू दैट यार डोंट डू दैट नो 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 आई एम जेन्युइनली नॉट वेल। हम लोग किसी दिन प्लीज सेट पे करेंगे। अभी आप आवाज़ देखो मेरी बहुत ख़राब है। गाना गाना है ये गाएगा कौन सा गाना? कोई भी गाना, योर फेवरेट सॉन्ग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे वाह, देखा हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, देख रहे हो आप, गाना भी आता है इसको। मेरी आवाज़ गई, मैं अभी नहीं गाऊंगी, मैं सेट पे गा के सुनाऊंगी। हाँ जी, तो वो सॉन्ग है। और हमारे शो में इनफैक्ट हमारे शो का जो टाइटल ट्रैक है, हमारे शो में कृष्ण के भजन और जो संगीत, जो कृष्ण जी की आरती है, लड्डू गोपाल की जो आरती है, वो आप लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज हम जब शूट कर रहे थे तो हमें बड़ा मज़ा आया था, तो ये भी आपको देखने मिलेगा और आप लोग बहुत झूमेंगे हमारे थीम सॉन्ग पे, हमारे कृष्ण के जो भी आरती है उन सब पे। थैंक यू।